हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज की इस नए वीडियो में। तो गाइज, आज का हम न्यू एडिटिंग कंसेप्ट रियलिस्टिक फेस स्मूथ फोटो एडिटिंग सिखाने वाले हैं आप सबको। सिर्फ 2 स्टेप में आप सब मेरे जैसा फेस स्मूथ रियल में कर सकते हैं गाइज। कोई फेक वीडियो नहीं बताएंगे आप सभी को, क्योंकि आप सब बहुत दिन से कमेंट कर रहे हैं कि भोले भाई अपने जैसा फेस स्मूथ फोटो एडिटिंग लाओ यार, कैसे कर लेते हो। तो गाइज, मेरे ही अंदाज में आप सब देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको जिस फोटो को अपन एडिट करना है उसको हम लोग लाइटरूम में शेयर कर लेंगे। लाइटरूम में ऑल फोटोज पर आएंगे गाइज, अपने फोटोज को शेयर किए थे उस फोटो को ओपन कर लेंगे हम सब। देन गाइज, जब हम लोग जाएंगे कलर वाले आइकन पर और यहाँ से अपने फोटोज का थोड़ा बहुत कलर चेंज कर लेंगे, तो मिक्स टूल पर जाएंगे गाइज। सबसे पहले बैकग्राउंड में ग्रीन टोन दिख रहा है तो मैं ग्रीन टोन को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ग्रीन टोन्स को सेलेक्ट करने के बाद गाइज सिचुएशन को माइनस कर देंगे। और इसके बाद आएंगे येलो टोन्स पर गाइज, येलो टोन्स के सिचुएशन को माइनस कर देंगे। देन गाइज, इसके बाद सियान टोन्स पर आ जाएंगे हम लोग, थोड़ा सा प्लस कर लेंगे ह्यू को। इसके बाद गाइज हम सब आएंगे यहाँ से ऑरेंज वाले टोन पर और इसके सिचुएशन को माइनस कर लेंगे गाइज, और इसके लेमिनेंस को प्लस कर लेंगे। देन गाइज, यही फोटो का जो देख रहे हैं फेस पर ब्लैक ब्लैक सा हो गया है, तो इसको हम लोग पिंक टोन्स में लाएंगे। तो जाएंगे यहाँ से रेड वाले टोन्स पर गाइज, और इसके सिचुएशन को हम लोग 100% प्लस कर लेंगे और लेमिनेंस को 100% प्लस कर लेंगे। और इसके बाद इसके ह्यू को गाइज पिंक टोन में लाएंगे 100% माइनस। तो देख सकते हैं आप सब यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर कितना कलर चेंजिंग हो चुका है गाइज। देन यहाँ से डन कर देंगे हम सब, और यहाँ से कुछ भी नहीं छेड़ना है, आप सभी को आ जाना है इफेक्ट वाले आइकन पर। और यहाँ से थोड़ा सा विंटेज को माइनस कर लेंगे, यहाँ से लगने लगेगा कि डार्क टोन में आ गया है। तो देख सकते हैं यहाँ से विंटेज माइनस कर लेंगे, थोड़ा सा क्लैरिटी को प्लस कर लेंगे गाइज कि फ़ोटो देखने में रियलिस्टिक लगे। और यहाँ से डिटेल्स पर आकर थोड़ा सा शार्पनिंग को प्लस कर लेंगे, क्योंकि हम लोग का फोटो थोड़ा सा HD में दिखने लगेगा। और गाइज, यहाँ पर मिक्स टूल्स पर आएंगे मिक्सिंग में, और यहाँ से प्लस वाले आइकन पर आकर हम लोग फेस को स्मूथ करेंगे। तो यहाँ से सेलेक्ट वाले सब्जेक्ट को जो दिख रहा है ऊपर, इसको सेलेक्ट कर लेंगे हम सब। तो ये सेलेक्ट हो गया है, इसके बाद इनवाइट कर देंगे यहाँ से हम लोग, तो बैक साइड में चला जाएगा गाइज। और यहाँ से आप सब इफेक्ट वाले आइकन पर आकर गाइज थोड़ा सा टेक्सचर्स को माइनस कर लेंगे, तो फोटो थोड़ा सा ब्लरिंग टाइप में दिखने लगेगा। देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर ब्लर नहीं है, लेकिन टेक्सचर को माइनस कर लेंगे ना तो ब्लर दिखने लगेगा। तो यहाँ से ब्लर कर लेंगे गाइज, और क्लैरिटी को थोड़ा प्लस कर लेंगे तो CV जैसा दिखने लगेगा। इतना इतना करने के बाद गाइज यहाँ से डन कर देंगे। देन फिर मेकनिंग में आएंगे और इस प्लस के आइकन पर जाएंगे, और यहाँ से ब्रश को सेलेक्ट कर लीजिएगा आप सब। और आप सब यहाँ से आसान तरीके से फेस स्मूथ कर सकते हैं गाइज। तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, आप सभी को फेस पर ऐसे ऐसे चला देना है। साइज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग। तो ऐसे ऐसे आप सभी को कर लेना है गाइज, और इसके बाद देखेंगे आप सब ना तो बहुत रियलिस्टिक फेस स्मूथ होता है इससे। आप सब जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर प्रीमियम लाइटरूम एप्स नहीं है आप सभी को, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए और वहाँ से लिंक मिलेगा, और वो आसान तरीके से डाउनलोड कर लेंगे आप लोग। तो देन इसके बाद यहाँ से इफेक्ट वाले आइकन पर जाएंगे गाइज, और टेक्सचर्स को माइनस कर लेंगे। तो देख सकते हैं फेस इस समय कितना वैसे दिख रहा है, और यहाँ से आएंगे तो देख सकते हैं कितना स्मूथ तरीके से हो गया है। इसके बाद क्लैरिटी को भी माइनस कर लेंगे गाइज अपने हिसाब से, ठीक है। और यहाँ से देन डन कर देंगे गाइज। अब यहाँ पर हम लोग का लाइटरूम में कलर मिक्सिंग और फेस स्मूथ हो चुका है। अब थोड़ा बहुत फेस स्मूथ कर लेंगे गाइज हम लोग ऑटोडेस्क में, तो शेयर वाले आइकन पर जाएंगे, ऑटोडेस्क में शेयर कर लेंगे। तो गाइज, अब लोग हम फेस को स्मूथ करेंगे, तो यहाँ से लाइब्रेरी में आएंगे और फेस स्मूथ ब्रश को यहाँ से डाउन करके सेलेक्ट कर लेंगे गाइज स्मूथ 2 को,
और इसके सेटिंग पर देख लेंगे हम लोग। सेटिंग को इसके रख लेंगे 1% फ्लो को, और स्ट्रेंथ को रख लेंगे लगभग 4%, और साइज को अपने हिसाब से रख लेना है गाइस। और इसके बाद यहाँ से फेस स्मूथ कर लेना है जो छूटा उटा होगा। तो देख सकते हैं कितना ओसम तरीके से यहाँ पर फेस स्मूथ हो रहा है गाइस, आप सब देख ही सकते हैं। देखने में एकदम बिल्कुल रियलिस्टिक लगेगा, आप सब भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सबका भी फेस स्मूथ इसी तरीके से हो गया हो जाएगा ना गाइस, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इससे ही अच्छे अच्छे न्यू कंसेप्ट अब हम यूट्यूब पर लेकर आएंगे गाइस। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, और फेस स्मूथ करके वीडियो में आकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हाँ भाई आपने बताया तो वर्क अच्छे से किया है, कोई फेक नहीं रियल है गाइस, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बिल्कुल रियलिस्टिक होगा आप सभी का फेस स्मूथ। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर फेस स्मूथ हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ से जाएंगे लेयर्स वाले आइकन पर और एक प्लस का की देंगे, और यहाँ से एक टैप करेंगे उस पर लेयर पर, ब्लेंडिंग वाले आइकन पर जाकर यहाँ से सॉफ्ट लाइट क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ से देन नीचे वाले आइकन पर क्रॉस पर आ जाइएगा, पिंक टोन या रेड टोन जो भी देना होगा आप सभी को ले लीजिएगा। और यहाँ से लाइब्रेरी में आकर गाइस आप सभी को ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है, इस वाले फ्लैट पेन को, और सेटिंग को देख लीजिए 100% ऑपसिटी को रखकर, साइज को अपने हिसाब से रख लीजिएगा गाइस। और इसके बाद यहाँ से हम लोग देंगे लिप्स पर रेड टोन जो देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही आप सब कर लीजिएगा। और लाइब्रेरी वाले आइकन पर जाएंगे गाइस, टैप करके थोड़ा सा ऑपसिटी को डाउन कर लेंगे कि देखने में थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे, कुछ इतना कर लेंगे, देन डन कर देंगे गाइस। इसके बाद एक लाइट पीएनजी मिलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, और यहां से सिलेक्शन पर आकर इंपोर्ट फोटोस कर दीजिएगा। और इसके बाद वहां से आप सब डाउनलोड करने के बाद ले लीजिएगा गाइस। देन डन कर दीजिएगा, फिर लेयर्स वाले आइकन पर आइएगा गाइस, इसी पीएनजी पर क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन इसका स्क्रीन कर दीजिएगा तो ये दिखने लगेगा। इसके बाद लेयर्स पर के बगल में जो लाइब्रेरी का दिख रहा है उसके बगल में जाइएगा और ट्रांसप्लांट कर दीजिएगा गाइस। ट्रांसप्लांट करने के बाद ऊपर की साइड में इसे लगा दीजिएगा, लगाने के बाद देन इसका हम लोग कलर चेंज करेंगे। तो फिर से लाइब्रेरी पर जाकर पीएनजी पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से HSL ऑब्जेक्टमेंट जो दिख रहा है उसको क्लिक करेंगे, तो जैसा कलर आप लोग चाहेंगे वैसा कर लेंगे। तो हम लोग पिंक रखेंगे कि देखने में थोड़ा सा ओसम लग रहा है, तो इसको ही रख लेते हैं गाइस, और डन कर देंगे। तो देख सकते हैं हम लोग का फ़ोटो एडिट हो चुका है गाइस। तो ऐसे ही न्यू एडिटिंग कंसेप्ट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।